नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं चूने के चमत्कार के बारे में। चूना, जी हाँ, जो हम पान में लगाकर खाते हैं, मैं उसी चूने के बारे में बात कर रही हूँ। ये बात तो मैं जरूर कर रही हूँ, लेकिन ये सभी जो बातें हैं ये राजीव दीक्षित जी की द्वारा की गई बातें हैं। उन्हीं के द्वारा दिए गए सभी इलाज हैं, सभी उपचार हैं और सभी नुस्खे भी राजीव दीक्षित जी के ही नियात किए हुए हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस चमत्कारी चूने के बारे में कुछ बातें। चूना जो आप पान में खाते हैं वो 70 बीमारी ठीक कर देता है, ऐसा कहना था राजीव दीक्षित जी का। जैसे किसी को पीलिया हो जाए, माने जॉइंडिस, उसकी सबसे अच्छी दवा है चूना। गेहूं के दाने के बराबर चूना गन्ने के रस में मिलाकर पिलाने से बहुत जल्दी पीलिया ठीक हो जाता है, और यही चूना नपुंसकता की सबसे अच्छी दवा है। अगर किसी के शुक्राणु नहीं बनता तो उसको अगर गन्ने के रस के साथ चूना पिलाया जाए तो साल डेढ़ साल में भरपूर शुक्राणु बनने लगेंगे, और जिन माताओं के शरीर में अंडे नहीं बनते उनकी बहुत अच्छी दवा है ये चूना। ये कहना था राजीव दीक्षित जी का। विद्यार्थियों के लिए भी चूना बहुत अच्छी दवाई है जो लंबाई बढ़ाती है। गेहूं के दाने के बराबर चूना रोज दही में मिलाकर खाने से, दही नहीं तो दाल में मिला के, दाल नहीं तो पानी में मिलाकर भी चूने को लिया जा सकता है। इससे लंबाई बढ़ने के साथ साथ स्मरण शक्ति भी बहुत अच्छी हो जाती है। जिन बच्चों की बुद्धि कम काम करती है या जो बच्चे थोड़ा मंद बुद्धि होते हैं उनकी सबसे अच्छी दवा है चूना। इन सभी रोगों में यदि चूना दिया जाए तो बहुत ही जल्दी इन सभी का उपचार किया जा सकता है। चूने का अगला चमत्कार है माताओं और बहनों के लिए। बहनों को अपने मासिक धर्म के समय अगर कुछ भी तकलीफ होती है तो उसमें सबसे अच्छी दवा चूना ही है। और हमारे घर में जो माताएं हैं जिनकी उम्र 50 वर्ष हो गई है और उनका मासिक धर्म बंद हो चुका है, उनकी सबसे अच्छी दवा भी चूना है। फिर से गेहूं के बराबर ही चूना हर दिन खाने में, दाल में, लस्सी में, पानी में घोलकर खाना चाहिए। जब कोई माँ गर्भावस्था में हो तो चूना रोज खाना चाहिए, क्योंकि गर्भवती माँ को सबसे ज्यादा कैल्शियम की जरूरत होती है और चूना कैल्शियम से भरपूर होता है, वो कैल्शियम का सबसे बड़ा भंडार होता है। गर्भवती माँ को चूना खिलाना चाहिए अनार के रस में। 1 कप अनार का रस और 1 गेहूं के बराबर चूना मिलाकर रोज पिलाना चाहिए 9 महीने तक लगातार। इससे 4 फायदे होंगे। पहला फायदा होगा, माँ को बच्चे के जन्म के समय कोई तकलीफ नहीं होगी और नॉर्मल डिलीवरी होगी। दूसरा फायदा, बच्चा जो पैदा होगा वो बहुत हष्टपुष्ट और तंदुरुस्त होगा। तीसरा फायदा होगा, बच्चा जिंदगी में जल्दी बीमार नहीं पड़ेगा। और चौथा सबसे बड़ा लाभ है कि वो होशियार होगा, दैट इज बहुत इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट होगा, उसका IQ भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। चूने का अगला फायदा उन लोगों के लिए है जिनको हड्डियों में तकलीफ रहती है, जिनके घुटनों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, सर्वाइकल है, स्पॉन्डिलाइटिस है, तो इन सभी चीजों में चूना एक चमत्कार की तरह काम करता है। चूना घुटने का दर्द ठीक करता है, कमर का दर्द ठीक करता है, कंधे का दर्द भी ठीक करता है, और एक खतरनाक बीमारी है स्पॉन्डाइलिटिस, वो चूने से ठीक हो जाती है। कई बार हमारे रीढ़ की हड्डी में जो मनके होते हैं उनमें दूरी बढ़ जाती है, यानी कि उनमें गैप आ जाता है। रीढ़ की हड्डी की सब बीमारियां चूने से ठीक हो जाती हैं। अगर आपकी हड्डी टूट गई हो तो उसमें भी चूना बहुत तेजी से काम करता है। चूना खाइए सुबह को खाली पेट। चूना हड्डी जोड़ने की बहुत ज्यादा ताकत रखता है। अगर मुंह में ठंडा गर्म पानी लगता है तो चूना खाने से बिल्कुल ठीक हो जाता है। मुंह में अगर छाले हो गए हैं तो चूने का पानी पिएं तो तुरंत ही छाले ठीक हो जाते हैं। शरीर में जब खून कम हो जाए तो चूना जरूर लेना चाहिए। एनीमिया है, खून की कमी है, उसकी सबसे अच्छी दवा चूना है। चूना पीते रहिए गन्ने के रस में मिलाकर, या संतरे के रस में मिलाकर, या अनार के रस में भी मिलाकर चूना लिया जा सकता है। राजीव जी ने अपने कई व्याख्यानों में चूने के महत्व को बार बार लगातार बताया है, जिससे कि ये हमारे दिमाग में बैठ जाए, हम चूने का हर रोज इस्तेमाल करें, जिससे हम अपने जीवन को अच्छा बनाएं।
चूने के द्वारा आप अपने जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं, निरोगी बना सकते हैं। हमारे चैनल पे हमने एक और वीडियो डाला है जिसमें राजीव दीक्षित जी का पूरा व्याख्यान है चूने को लेकर। उनके स्वयं के शब्दों में वो वीडियो है जिसमें उन्होंने चूने के बारे में बताया है, चूना किस तरह से काम करता है, किस तरह से उसको खाना चाहिए। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उस वीडियो को पूरा जरूर देखें। एक दूसरी चीज और बताता हूँ जो बहुत अद्भुत है, वो भी आपके घर में हो तो मजा आएगा। वो कई बीमारियों को दूर करने की उसमें भी शक्ति है, और वो है पान में लगाया हुआ चूना। चूना खाइए, हाँ चूना लगाइए मत, चूना खाइए। और मेरा सबको कहना है तंबाकू मत खाइए, चूना खाइए। हाँ चूना बहुत ही अद्भुत है, जैसे मेथी का दाना अद्भुत है ऐसे ही चूना बहुत अद्भुत है। चूने की ताकत भी यही है जो मेथी के दाने की है। वात से जुड़ा हुआ कोई भी रोग शरीर का बंद करने का, खत्म करने का, समाप्त करने का ताकत चूने में भी है। गुर्दे दुखते हैं, कमर दुखती है, कंधा दुखता है, मनके का त्रास हो गया है, हड्डी में गैप पड़ गया है, ये सभी औषधि के रूप में चूना चलता है। राजीव दीक्षित जी का चूने के बारे में ये भी कहना था कि क्योंकि भारत के लोग अलग अलग रूप में चूने का उपयोग करते हैं, इसी कारण भारतीय बहुत होशियार होते हैं। हाँ तंबाकू हमें नहीं खाना चाहिए, तंबाकू एक जहर का काम करता है, और वहीं चूना जो है वो अमृत का काम करता है। तो चूना खाना चाहिए, और पान में कत्था नहीं लगवाना चाहिए, कत्थे की जगह हमें सिर्फ चूना ही लगवाना चाहिए। अगर आपके घुटने में घिसाव आ गया है और डॉक्टर कह रहे हैं कि घुटना बदलना है, तो कृपया ऐसा ना करें। राजीव दीक्षित जी ने बार बार हाथ जोड़कर नम्र निवेदन किया था सभी से कि जिनके भी घुटनों में प्रॉब्लम हो वो घुटने रिप्लेसमेंट के लिए ना जाएं, नी रिप्लेसमेंट के लिए ऑपरेशन ना करवाएं, बल्कि उन्हें चूना खाना शुरू करना चाहिए। राजीव भाई कहते हैं चूना खाइए पर चूना लगाइए मत। ये चूना लगाने के लिए नहीं है, केवल खाने के लिए है। और आजकल हमारे देश में चूना लगाने वालों की संख्या बहुत ही बढ़ गई है, पर चूना भगवान का दिया हुआ पृथ्वी पर एक बहुत ही अमूल्य उपहार है जिसका उपयोग हमें जरूर करना चाहिए। मेरा सबको ये कहना है चूना खाइए, चूना लगाइए मत कभी किसी। ये चूना लगाने के लिए नहीं है, खाने के लिए। आजकल अपने देश में चूना लगाने वाले बहुत है, भगवान ने खाने के लिए दिया। और भारत में बड़े बड़े भ्रष्टाचारी हैं जो रोज देश को चूना लगा रहे हैं। राजीव दीक्षित जी का कहना था उन लोगों के लिए जिन्हें पथरी की समस्या है या कभी थी, वो लोग चूने का सेवन ना करें, क्योंकि चूने का सेवन करने से स्टोन बनने की पॉसिबिलिटी फिर से उभर आती है, स्टोन फिर से बन सकता है। अब सवाल आता है कि चूने की जगह वो क्या ले सकते हैं। ऐसे लोग जिन्हें पथरी हो या पथरी कभी रही हो, वो चूने की जगह मेथी दाने का उपयोग करें। मेथी दाना भी कैल्शियम का बहुत बड़ा स्रोत है, उसमें भी कैल्शियम कूट कूट के भरा होता है। तो मेथी दाने के उपयोग से भी आपको वही सब फायदे मिलेंगे जो आपको चूने से मिलते हैं। मेथी दाने के पूरे उपयोग के लिए आप हमारे दूसरे वीडियो को देखिए जिसमें हमने मेथी दाने के बारे में बताया हुआ है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने जाना चूने के चमत्कारी उपयोग के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ विस्तार में समझ आया होगा, चूने का उपयोग, उसको कैसे खाना है, किन्हें खाना है, किन्हें नहीं खाना है, किन बीमारियों में चूना काम आता है, कैसे वो अपना चमत्कार दिखाता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। इंतजार कीजिए हमारी अगली वीडियो का जिसमें हम राजीव दीक्षित जी के और नुस्खों के बारे में बात करेंगे और बीमारियों के बारे में बात करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि हम किसी बीमारी पे कोई वीडियो बनाएं, तो आप कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और हमें ये भी बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। राजीव दीक्षित जी के नुस्खों के बारे में आपका क्या कहना है, आपका क्या मानना है ऐसे शख्स के बारे में जिसने अपना पूरा जीवन आयुर्वेद को और भारत को समर्पित कर दिया। दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्कार।